हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कलशवत्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस वीडियो इज़ फॉर 9th क्लास। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने 9th क्लास का चैप्टर 12 उसका एक्सरसाइज 1 यानी कि 12.1 हमने शुरू कर दी थी हीरोन्स फार्मूला की, जिसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए थे। तो इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। उससे पहले हीरोन्स फार्मूला एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड एस इज द सेमी पैरामीटर। एस क्या होता है? सेमी पैरामीटर होता है। और एस का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर का हाफ कर देना। और पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी साइड्स, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। और सेमी पैरामीटर निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? सो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर्स एंड द पैरामीटर इज 42 मीटर्स। अब यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी हमें सिर्फ 2 साइड्स गिवन है, यानी कि ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लेकिन जो तीसरी साइड है सी, वो हमें नहीं पता, ठीक है? उसको भी हमें निकालना पड़ेगा अभी। साथ ही साथ हमें इस ट्राइंगल का पैरामीटर दिया हुआ है विच इज़ 42 मीटर्स। तो पैरामीटर की हेल्प से हम जो मिसिंग साइड है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है? तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 42 मीटर्स हो जाएगा। ए की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी 18, बी की जगह 10 और सी हमें पता नहीं, ठीक है? विच इज़ इक्वल टू 42 सेंटीमीटर्स। तो 18 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 28, जो इक्वल्स टू के दूसरी साइड जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, यानी कि 42 माइनस 28 इक्वल्स टू सी, ठीक है? सो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारे पास ए भी है, बी भी है और सी भी है, ठीक है? और एस क्या हो जाएगा? पैरामीटर का हाफ, यानी कि 42 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर्स, ओके? सो अब एरिया पर आते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है? एस भी है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। अब हम जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं उसको उनकी जगह पर रख देते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एस की वैल्यू क्या है? 21, 21 माइनस ए यानी कि 18, 21 माइनस बी यानी कि 10, 21 माइनस सी यानी कि 14। अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 18 इज 3, मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 10 इज 11, मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 14 इज 7। अब हम तीनों को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको रूट सॉल्व करना भी बता दिया था, तो ईजिली आप इस चीज़ को सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है? ये तो और भी सिंपल है। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 21 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है? अब यहाँ पर हम 21 को एज इट इज़ रख देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दूसरा 21 दिखाई दे रहा है। वो कहाँ पर है? 3 × 7। 3 × 7 क्या होता है? 21 मल्टीप्लाई बाय 11। रूट में पेयरिंग जब हो जाती है तो वो बाहर आ जाता है, यानी कि 21 × 21 करके एक 21 बाहर आ जाएगा, यानी कि 21 और अंदर बच जाएगा रूट 11। तो यही इसका एरिया हो जाएगा। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 12:17:25 एंड इट्स पैरामीटर इज 540 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स एरिया। अब हमें एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसका पैरामीटर क्या दिया हुआ है? 540 सेंटीमीटर्स। लेकिन उसकी साइड्स किस में दी हुई हैं? हमें रेशो में दी हुई हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा अलग है बाकी क्वेश्चन से, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। जब भी हमें रेशो में क्वेश्चन दिया हुआ होता है या लेंथ दी हुई होती है किसी भी चीज़ की, हम क्या करते हैं? हम उस रेशो को जब खोलते हैं तो हम साथ में एक वेरिएबल को अटैच कर देते हैं उसके साथ। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? लेट द साइड ऑफ द ट्राइंगल बी 12x 17x एंड 25x सेंटीमीटर्स, ठीक है? अब हमें यहाँ पर हम एज इट इज़ इसको हीरोन्स फॉर्मूले में तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि साथ में वेरिएबल है। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के बाकी तीनों साइड्स जो हैं वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं?
पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल हमें क्या दिया हुआ है 540 सेंटीमीटर्स एंड पैरामीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड द सम ऑफ द ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. सो 12x प्लस 17x प्लस 25x क्या हो जाएगा 540 के इक्वल हो जाएगा. इन सब का सम किसके इक्वल हो जाएगा 54x के इक्वल हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 540. अब x की वैल्यू निकालने के लिए ये 54 का क्या चला जाएगा, ये 54 डिवाइड में चला जाएगा और x क्या आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा. सो x हमारे पास आ गया. अब हम तीनों लेंथ निकाल सकते हैं हमारे ट्राइंगल की. सो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर a इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स था तो x की जगह हमने x की वैल्यू रख दी इस तरीके से 12 इंटू 10 इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर्स. सेम b में करा 17x था यानी कि 17 मल्टीप्लाई बाय 10 तो इसकी लेंथ क्या आ गई 170 सेंटीमीटर्स. सी था हमारा 25x 25 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर्स. अब हमारे पास ए भी है बी भी है और सी भी है. अब आता है सेमी पैरामीटर पे. एस इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू. सो ए प्लस बी प्लस सी हमें पता है क्या क्या है पैरामीटर है 540 है. 540 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 270 आ जाएगा. अब हमारे पास एस भी है. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट करते हैं इज इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल में पुट करते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. ठीक है. सो एस की जगह 270 आ गया हमारा 270 माइनस 120 270 माइनस 170 270 माइनस 250. ठीक है. हाँ तो अंडर रूट में 270 इंटू 270 माइनस 120 इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाई में 270 माइनस 170 इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई में 270 माइनस 250 इक्वल्स टू 20. इन सब की मल्टीप्लाई हो जाएगी. आप इसको मल्टीप्लाई करिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था और इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ द एरिया ऑफ आर ट्राइंगल. अब 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन उस पर आते हैं. सो 6th क्वेश्चन है एन आइसोसेलस ट्राइंगल हैज़ पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. अब हमें एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसका पैरामीटर क्या है 30 सेंटीमीटर है लेकिन वो ट्राइंगल कैसा है आइसोसेलस ट्राइंगल है. जैसे कि हमें पता है आइसोसेलस ट्राइंगल की क्या होती है दो साइड्स इक्वल होती हैं एक इक्वल नहीं होती है. ठीक है. सो वो साइड क्या है 12 सेंटीमीटर है. ओके. सो ए इज इक्वल टू बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर यानी कि ए भी 12 सेंटीमीटर है और बी भी 12 सेंटीमीटर है. सी हमें पता नहीं है लेकिन हमें पैरामीटर पता है जिसकी हेल्प से हम सी जो हमारी मिसिंग साइड है उसको निकाल सकते हैं. पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू 30 30 इक्वल्स टू 12 प्लस 12 इक्वल्स टू सी यानी कि सी क्या आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा. अब हमारे पास तीनों साइड हैं ए भी है बी भी है और सी भी है. अब आते हैं एस पर क्योंकि हमें हिरोन्स फॉर्मूले में एस की ज़रूरत पड़ेगी. एस इक्वल्स टू सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू विच इज़ इक्वल्स टू 30 अपॉन टू इक्वल्स टू 15 यानी कि एस हमारा क्या आ गया 15 आ गया. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 15 माइनस 12 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6. ठीक है. अब इसको सॉल्व करते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 12 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में 15 माइनस 12 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में 15 माइनस 6 इज 9 मल्टीप्लाई में. अब इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर्स. ठीक है. ईजी है कैलकुलेशन कर लेना. आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे. एक्सरसाइज हमारी 12.1 कंप्लीट हो चुकी है. इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्रीवियस वीडियो का जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बताए थे उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और CBSE और एग्ज़ाम्स की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लेना जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन कीप लर्निंग.